आइए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। बैठ बैठिए, थैंक यू सर। दे दीजिए। रवीना, आप ऑलरेडी ब्लॉक अकाउंटेंट का काम कर रही हैं और ऑडिट बनना चाहती हैं, ठीक है। यू हैव द मेरे ख्याल से आपके पास फेयर नॉलेज ऑफ अकाउंट्स है। आपके पास बैलेंस शीट जो बनता है यस सर, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट रहते हैं बैलेंस शीट में? सर मैं समझ नहीं पाई, सॉरी। बैलेंस शीट सब सुना है? यस सर। आप तो एमकॉम भी कर रही हैं यस सर। से, तो बैलेंस शीट के क्या क्या स्टेटमेंट रहते हैं? बैलेंस शीट में क्या क्या होता है किसी कंपनी का सर बैलेंस? बैलेंस शीट में होता है, पहला तो आपका जो भी पार्टनर्स की कैपिटल होते हैं या कैपिटल्स होते हैं वो, इसके साथ ही लाइबिलिटीज़ जो हमारे होते हैं, करेंट लाइबिलिटी और जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होते हैं, लोन्स एंड एडवांस होते हैं लाइबिलिटी साइड में, और राइट हैंड साइड में जो होता है वो होता है हमारा एसेट्स, जिसमें एनी काइंड ऑफ फिक्स एसेट्स और स्टेटमेंट्स उसके पार्ट होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उन स्टेटमेंट का नाम क्या क्या यस सर। होता है? सर स्टेटमेंट ये होता है जो भी जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा जैसे एक बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, यस सर, इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट होते हैं, यस सर, क्या प्रॉफिट क्या होते हैं, सर एसेट साइड में जो लाइबिलिटी साइड में होता है या वो शेड्यूल्स प्रॉफिट, कहते हैं, क्या क्या रहते हैं, बताइए तो बताइए, जो बता रही थी बताइए, घबराइए नहीं। सर प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, लोन्स एंड एडवांसेस और भी जो भी ओवरड्राफ्ट होते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, और राइट साइड में इन्वेस्टमेंट जो भी हमारे शॉर्ट टर्म एडवांस लोन्स एंड एडवांस होते हैं वो, और फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, ये प्रियंका, सर। आपका जो जीविका में आपने किया और आपने सीखा है, यस सर। ये आपके पंचायत के ऑडिट में कैसे हेल्प करेगा? पंचायत ऑडिट में क्या क्या स्पेशल बात होगी? सर जीविका में जो मैं पोस्टेड हूँ वो मैं ब्लॉक लेवल पे ही पोस्टेड हूँ, और जो भी पंचायत के काम होते हैं, जो भी हमारे हम जो भी बिहार गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं वो जीविका के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है, तो इम्प्लीमेंटेशन में जो भी स्कीम्स में जो भी फंड आते हैं, किस तरह से उस फंड का एलोकेशन किया जाता है, क्या बजट होता है, किस किस बजट्स को ध्यान में रखा जाता है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, तो ये सारी चीज़ें मेरे ही मतलब मुझे ही पास करके आगे उसको फॉरवर्ड करना रहता है, तो ये सारी चीज़ें का मुझे जानकारी है, और क्या क्या वहाँ पे लोग सावधानियाँ नहीं बरतते हैं या बरतना चाहिए उसको, तो ये सारे मुझे पहले से प्री नॉलेज इसके बारे में पता है, कॉन्सेप्ट है, तो ऑडिट में मैं जाऊँगी तो वहाँ पे मैं देखूँगी सारी चीज़ें जो भी रूल्स होते हैं वहाँ पे वो फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, बजट के अंदर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारे मैं ऑडिट में भी उस चीज़ को देखूँगी। आपने अभी आप तो अकाउंटेंट या ऑडिट करके हम कर रहे हैं, तो आपने अभी बजट बोला, यस सर, जो पंचायत का बजट बनेगा उसका क्या क्या कंपोनेंट, अगर मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसके साथ क्या क्या स्टेटमेंट रहेंगे बताइए। सर पंचायत के बजट में तो सबसे पहले हम लोग को देखना रहता है कि कितने हमारे पास फंड आए हैं, उस फंड के साथ में किस डिपार्टमेंट में कितना फंड को एलोकेट किया गया है, उस फंड के दौरान हमें फॉलो करना होता है कि जो भी डिपार्टमेंट को फंड अलॉट किए हैं वो किसी और बजट हेड से कहीं और बजट हेड में ना पास हो, तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। फिर आप मेरी बात में कुछ सर्टेन बजट को कुछ स्टेटमेंट रहते हैं, बजट के एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन चार स्टेटमेंट रहते हैं, उसमें विवरण रहते हैं, वो क्या क्या होंगे? अभी नहीं एक हिंट देता रिकॉल हूँ, पिछले वर्ष जो हो गया, जो बीते हुए वर्ष का स्टेटमेंट अकाउंट होगा, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होगा, यस सर, और क्या होगा बताइए, अब आप समझ रहे हैं क्या क्या होगा, बोलिए क्या क्या स्टेटमेंट होंगे। सॉरी सर, बीता हुआ वर्ष का है, इस वर्ष का अनुमानित इकोनॉमिक सर्वे, रिसीट एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक होगा बजट, और सब आपका प्लान होगा, तो मैंने आपसे कुछ पूछा था, शायद कोई बात नहीं। नाउ अब एक बात और मैं बोलूं, आप तो जीविका में भी काम करते हैं, पंचायत में भी काम करते हैं, मुझे ऐसे मुझे ये जो महसूस हुआ कि जीविका में वास्तव में कोई काम नहीं होता है, जीविका टोटल फ्रॉड है, वहाँ गांव की औरतें बैठती हैं, सास ननद बहू एक दूसरे का बुराई करती हैं, सब कुछ करती हैं और गप मार के चल जाती हैं। क्या आप हमसे सहमत हैं यानी नहीं, तो क्यों, क्या होता है वहाँ बताइए। सर मैं इस बात से नहीं सहमत हूँ कि
क्योंकि मैं वहाँ पे प्रैक्टिकल चीजों को देख रही हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है जीविका में उसके उसके अनुसार जीविका अभी पूरे 38 ब्लॉक में काम कर रहा है। इसके साथ ही यह कुल मिला के अभी जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 10.48 लाख स्वयं SSG हमारा फॉर्म हो गया है। और SSG की जो महिलाएं हैं वो अपने जो भी घर के बाउंड्रीज को पार करके और समाज की मुख्य धारा से खुद को जोड़ रही हैं, वो बिजनेस के लिए लोन ले रही हैं, वो अपने अपना आगे जीविका चलाने के लिए लोन ले रही है, इसके साथ ही वो आगे बढ़ने का कोशिश कर रही हैं। बस वो जो ग्रुप भी होता है तो वहाँ पर वो डिस्कस करती है कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट दे, आगे आने वाले जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उसको कैसे हम लाभ अपने लिए उठा सके और आगे हम कैसे अपना डेवलपमेंट कर सके और इसके साथ ही अपनी फैमिली का कैसे डेवलपमेंट कर सके, ये हम लोग को उसमें हम जितना विजिट करते हैं उसमें हमको दिखता है। रवीना आप ये बताएं ग्रेजुएशन आपका कब हुआ? सर 2016 में। उसके बाद से क्या क्या आप कर रही थी? सर 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद मैंने MCOM में एडमिशन लिया, उसके बाद में मैं 2 साल प्रिपेयर्ड की, फिर 2020 में मेरी जॉब जीविका में हो गई। उसके बाद से मैं परमानेंट है? सर परमानेंट स्टार्ट में नहीं था बट अभी मेरा हो गया, प्रोबेशन कंफर्म हो गया, वहाँ पे हो गया परमानेंट। yes, हो गया। अब ब्लॉक अकाउंटेंट के रूप में आप काम कर रही हैं। यस सर। तो उसके परेशानियों को भी आप जानती हैं, अभी आप बता भी रहे थे, तो आप कौन सा रिफॉर्म सजेस्ट करेंगे? सर ब्लॉक अकाउंटेंट में जो भी जैसे होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो भी हम देखते हैं वहाँ पे लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है चीज़ों को लेके बहुत, मतलब अगर आप देखेंगे तो जैसे बिहार सरकार की स्कीम है सतत जीविकोपार्जन योजना, उसको भी अगर हम लोग किसी को देते हैं उसका लाभ उठाने के लिए, अगर हम लोग किसी बेनिफिशियरी का चयन करते हैं तो वहाँ पे लोग हमसे ही सवाल करने लग जाते हैं कि ये इससे क्या होगा, ये कोई, मतलब बहुत ऐसे 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 सवाल होते हैं जिनका जब जो शायद वो समझ नहीं पाते कि ये हमारे हम उनके लिए ही है ये चीज़ें, ये गवर्नमेंट की स्कीम उन्हीं के लिए आई हैं, और उल्टा वो हमसे ही इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा परेशानी आती है इस चीज़ को डील करने में। तो जागरूकता उन लोग को, मतलब थोड़ा सा ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट? सर दूसरा पॉइंट्स मुझे जो आता है, चूँकि मैं फंड को एलोकेट करके वहाँ से मुझे फील्ड से यूसी आता है तो वहाँ पे मैं यूसी को पास करके डिस्ट्रिक्ट के लिए रिकमेंड करती हूँ, तो जो जो भी मेरे पास फंड का जो जैसे मान के चलिए कि मेरे पास आज फंड आया ब्लॉक में और वो फंड को एलोकेट किया गया फील्ड लेवल पे, तो फील्ड लेवल से उस फंड को देने में काफ़ी दिन लग जाते हैं जो रियल बेनिफिशियरी होते हैं उनको उनको मतलब उनके पास जाने में, तो इस वजह से मेरे पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी लेट से आता है, तो ये भी मुझे थोड़ा सा वहाँ पे चैलेंज होता है। दो साल जो आप तैयारी कर रही थी, किस चीज़ का तैयारी कर रही थी? सर BPSC। क्या हुआ उसमें? सर 67th में मैं A1 मार्क से रह गई और 60 ये डबल AO जो था उसमें भी मेरा 2 मार्क्स सिलेक्शन। अच्छा, PT में या मेंस में? PT में सर। PT में था। अच्छा आप बताएंगे ये सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता? सॉरी सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जानती है? अच्छा कोई बात नहीं, कॉमर्स में पूछूं? यस सर। कॉमर्स में ये कस्टम यूनियन क्या होता है? रिकॉल नहीं कर पा रही। इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ना है ना? इंटरनेशनल ट्रेड यस सर। उसमें कस्टम यूनियन तो पढ़ना ही है। रवीना सिंह। यस सर। ठीक है, अभी सीमा हैदर काफी न्यूज में है। यस सर। नाम सुने हैं सीमा हैदर का? ठीक है, मुझे लगता है कि उनको नागरिकता दे दी जानी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? सर अभी हमारा इंडिया गवर्नमेंट उस पर काम कर रहा है, जो भी इंडिया गवर्नमेंट का रूल आएगा उस पर फिर हम लोग उसमें। आपका ओपिनियन क्या है, नागरिकता दे दी जानी चाहिए? सर ये इंडिया गवर्नमेंट और उनका मैटर है तो मैं इस पे नहीं बोलना चाहूंगी, कमेंट नहीं करना चाहूंगी। ठीक है, सिटीजनशिप कैसे मिलता है? सर कोई भी जो भी हमारे ये है जो भी कोई पर्सन है वो 5 साल तक अगर 2014 से अगर यहाँ पे हैं भारत में निवास कर रहे हैं कंटिन्यू तो उनको सिटीजनशिप मिलता है। और 5 साल अगर नहीं हुआ तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगा? नहीं।
जब गवर्नमेंट ही नियम रूल लगाई है कि 5 साल तो सीमा हैदर का तो हुआ ही नहीं है, तो आप भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मिल सकता उनको सिटीजनशिप, वो आके शादी कर ले कुछ भी कर ले, लेकिन जो एक नॉर्म्स बनाए गए हैं वो नॉर्म्स सबके लिए हैं। यस सर। ठीक है, तो ये आप भी बता सकते हैं कि नहीं सिटीजनशिप अभी नहीं मिलना चाहिए। जी सर। ठीक है, मणिपुर में क्या हो रहा है? सर मणिपुर में जो भी एक दो कम्युनिटी है, एक मैती रिपू की, उनके बीच में जो भी मैती जो समुदाय है उनको एसटी का दर्जा के लिए जो भी मणिपुर गवर्नमेंट रेकमेंड की है कि देना चाहिए, इसकी वजह से दो जो गुट हैं वो थोड़ा से भिड़ गए हैं, यही वहाँ का अभी ये है। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार उस पर समय नहीं दे रही है मणिपुर पे, क्योंकि देख रही है कि मणिपुर में तो सिर्फ 2 लोकसभा सीट है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब लोकसभा में इलेक्शन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 2 सीट से, तो इसलिए ध्यान नहीं दे रही है। क्या ऐसा है क्या, या बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है, एक्शन ले रही है? सॉरी सर, मुझे इसमें। ठीक है, आपका जो हॉबी है? यस सर। वो क्या है? सर डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग। आपने लिखा है डेयरी राइटिंग, डी ए आई आर वाई, डेयरी राइटिंग। ठीक है, तो डायरी राइटिंग में क्या लिखते हैं आप? सर डायरी राइटिंग में जो भी मेरे थॉट्स होते हैं उसको मैं वहाँ पे पुट करती हूँ, इसके साथ ही मैं जो भी अगर मेरी जो डे टू डे एक्टिंग है, जो गुड बैड ये होते हैं एक्सपीरियंस होते हैं उसको मैं वहाँ पे करती हूँ, इसके साथ ही मेरा जो भी वहाँ पे मेरे कुछ टारगेट्स होते हैं लाइफ को लेके या कुछ भी वैसे मेरे कुछ अपने रहते हैं प्लान्स अचीवमेंट, वो मैं उसको वहाँ पे मेंटेन करती हूँ। इससे किसी दूसरे को तो कोई फायदा है नहीं? सर बिल्कुल फायदा है सर, इसके लिए जैसे अगर मैं अगर ऑडिटर ही बनती हूँ तो मैं उसका अपना वर्क का भी टारगेट डायरी में मेंटेन करती हूँ कि मुझे वीक में या मंथ में इतना टारगेट कंप्लीट कर लेना है वर्क के अकॉर्डिंग, इससे क्या होता है कि मेरे जो काम होते हैं वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाते हैं, इसके साथ ही अगर ऑन टाइम कंप्लीट नहीं भी होते हैं तो उस पर मैं अपना सेल्फ रिव्यू करती हूँ कि वो क्यों नहीं कंप्लीट हुए या फिर मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जो ऑन टाइम मेरा कंप्लीट हो, और फिर मैं उस पर उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। ठीक है, क्या संभावना है इस बार आपके ऑडिटर बनने में? सर मुझे लगता है कि 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। यस सर।